Assalamualaikum. Okay, next video I'm going to tell you about the thoracolumbar fascia. So fascia करने से पहले मैं सिर्फ important बताऊंगी. This is very important topic with regards to your MCQs and everything. मैं इसमें बताती हूँ कि आपने इसको पहली बात याद कैसे करना है. So okay, suppose ये आपकी एक lumbar vertebrae, just suppose, इतनी बुरी नहीं होती, but still ये है आपकी उसकी body, ये transverse process है और ये spinous process. इतने लंबे transverse processes नहीं होते, but still. अब बताने का मकसद ये है कि आपके पास यहाँ पर लगे हुए होते हैं muscles, quadratus lumbar and sos major. तो सॉस मेजर मसल आपका लगा हुआ इस तरह से होता है कि ये जो जगह ये सॉस मेजर ने कवर की हुई होती है और उसके बाद वाली जो जगह ये क्वाड्रेटस लंबोरम ने कवर की हुई होती है. क्वाड्रेटस लंबोरम के बाद पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ भी लगा हुआ होता है. सो ये आपके दो मसल्स हैं, ठीक है. फिर सॉस मसल को सॉस फेशिया कवर कर रहे हैं, क्वाड्रेटस लंबोरम के मसल को क्वाड्रेटस लंबोरम का फेशिया कवर कर रहे हैं. ये बात होगी. पीछे की तरफ ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान में यहाँ लगे हुए होते हैं इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप ऑफ मसल, जिसमें दो चार डिफरेंट मसल आते हैं, मल्टीफिडस आता है और भी हैं इसमें, तो इरेक्टर स्पाइनी मसल्स हैं. अब आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो थोरैकोलंबर फेशिया है, दैट इज़ फेशिया ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसको हम तीन लेयर्स में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर. पहले हम देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि वट इज़ द अटैचमेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर लेयर. तो पोस्टीरियर लेयर हम सब चीज़ देखेंगे, मीडियली, लैटरली, सुपीरियर, इंफीरियर. दो तीन इंपॉर्टेंट तरीन बातें आपने याद रखनी है कि सुपीरियर जो पोस्टीरियर लेयर है थोरैकोलंबर फेशिया की, सिर्फ वो लेयर है जो कि एक्सटेंड करती है एब्डोमेन को पीछे से लाइन करने के साथ साथ, वो ऊपर नेक तक जाती है. लाइक सारा एब्डोमेन ऊपर नेक तक वो जाएगी और एब्डोमेन को भी लाइन करेगी पोस्टीरियरली. लेकिन बाकी दोनों लेयर्स जो हैं वो 12th रिब पे जाके ख़त्म हो जाती हैं. इंटीरियर और मिडल लेयर्स 12th रिब पे ख़त्म हो जाती हैं, जबकि पोस्टीरियर लेयर एक्सटेंड्स अप टू द नेक. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरी चीज़, अभी मैं क्वाड्रेटस लंबोरम के फेशिया को इंक्लूड कर दूंगी इनसाइड द फेशिया ऑफ द थोरैकोलंबर फेशिया. उसका पार्ट होता है क्वाड्रेटस लंबोरम को जो फेशिया कवर कर रहा है. बट सम बुक्स राइट के सॉस मेजर का फेशिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस इज नॉट. सो सॉस मेजर को फेशिया कवर कर रहा है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ थोरैकोलंबर फेशिया. वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. अब देखते हैं हमारे पास पोस्टीरियर लेयर क्या है. पोस्टीरियर लेयर की सबसे पहले ये वाली जो, क्योंकि सेंटर में ये मिड लाइन है, ये लैटरल पोर्शन है और सुपीरियर इन्फीरियर तो है, तो मीडियली वो अटैच होती है टिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस पे, ठीक है. यहाँ से आती है आपकी पोस्टीरियर लेयर थोरैकोलंबर फेशिया, फिर लैटरली टर्न करती हुई आती है. लैटरली वो अटैच हो जाती है विद द फ्यूज हो जाती है मिडल लेयर से. मिडल लेयर होती है टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस भी अटैच, ठीक है. इसे भी मिडल लेयर में अलग से बताऊंगी. तो मीडियली वो आके मिडल लेयर के साथ फ्यूज़ कर जाती है. सुपीरियरली जो पोस्टीरियर लेयर है वो आपके पूरी एब्डोमेन को लाइन करते करते, इसी तरह पहले स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस तरह लाइन करते हुए थोरेसिक, पहले सारे इस तरह थोरेसिक सॉरी लंबर वर्टेब्रा चलाती है, फिर थोरेसिक वर्टेब्रा पे भी पीछे इसी तरह स्पाइनस प्रोसेस पे अटैच होती हुई पीछे तक रूट ऑफ द नेक तक जाती है और वहाँ पर जाके ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है. तो रूट ऑफ द नेक तक पोस्टीरियर लेयर जो आपकी थोरैकोलंबर फेशिया की है, इसने सुपीरियरली एक जाना है. और इन्फीरियरली आपने सिंपल सी बात इन्फीरियरली याद रख लें कि आपने याद पढ़ा होगा कि आइलिक क्रेस्ट जब पढ़ा था, इलियम जब आपने पढ़ा था हिप बोन का, तो उसको हमने तीन पोर्शंस में डिवाइड किया था, इंटीरियर पोर्शन, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर पोर्शन. तो पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो इट इज़ मेंट फॉर द पोस्टीरियर लेयर की अटैचमेंट, लोअर अटैचमेंट. मिडल जो इंटरमीडिएट लेयर है वो मिडल लेयर की हो जाएगी और इंटीरियर लेयर की अटैचमेंट के लिए हो जाएगी. तो बस आपने इतनी सी बात याद रख ली है कि नीचे जाके वो आइलिक क्रेस्ट की पोस्टीरियर लेयर पर ख़त्म हो जाएगी. सो ये आपकी पोस्टीरियर लेयर थी. मिडली टिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, लैटरली मिडल लेयर के साथ फ्यूज़ कर गई, ऊपर रूट ऑफ द नेक तक गई है और नीचे इलिक आइलिक क्रेस्ट तक गई. उसके बताते हैं मिडल लेयर पे. सो मिडल लेयर क्या करती है, इट इज़ इसकी मीडियल अटैचमेंट ये वाली है टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, इसकी लैटरल अटैचमेंट एंटीरियर लेयर के साथ लैटरली फ्यूज़ कर जाती है. इंटीरियर लेयर सपोज ये क्वाड्रेटस लंबोरम, एंटीरियर लेयर के साथ फ्यूज़, ऐसे आप समझें कि सपोज़ ये क्वाड्रेटस लंबोरम का फेशिया जो उसे कवर कर रहा है, तो ये जो मिडल लेयर है ये लैटरली जाएगी और जहाँ पर इसे फेशिया नजर आएगा वहाँ पर उसके साथ फ्यूज़ कर जाएगी जो क्वाड्रेटस लंबोरम को कवर कर रहा है. उसके बाद सुपीरियरली ये कहाँ तक जाती है, मैंने आपसे कहा था कि जो मिडल और एंटीरियर लेयर्स हैं ये 12th रिब पे जाके ख़त्म हो जाती हैं, तो 12th रिब के लोअर बॉर्डर पे इट इज़ फिनिश्ड. और इन्फीरियरली एक ही बात है कि आइलिक क्रेस्ट के इंटरमीडिएट एरिया में, बात ख़त्म. इंटीरियर लेयर जो लेयर क्वाड्रेटस लंबोरम को कवर कर रही है, जो फेशिया विच इज़ कवरिंग द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, इट इज़ एक्चुअली द इंटीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलंबर फेशिया. मीडियल अटैचमेंट इसकी कहाँ पर, आपको याद होगा जब मैंने थोरैसिक लंबर वर्टेब्रा की मैंने आपको स्पॉटिंग कराई है, तो मैंने बताया कि ट्रांसफर्स जो उसका प्रोसेस है उसके सेंटर में अगर आप देखें तो एक रिज होती है. नहीं भी नज़र आती तो अपने से बना लें, कि आधी चीज़ें, क्योंकि हर वर्टेब्रा में बहुत अच्छी नज़र नहीं आती. सपोज ये एक ट्रांसफर्स प्रोसेस है, ये सेंटर में ऐसे बॉडी लगी हुई है,
तो उसकी इंटीरियर वाली जगह जो होगी उस पर ऐसे आप वर्टिकल रिज आपको नजर आएगा बट एट इट सेंटर पॉइंट, इससे मीडियली आपका सॉस मेजर लगा हुआ था जैसे मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, इससे लैटरली आपका क्वाड्रेटस लंबोरम लगा हुआ जैसे ये शो हुआ है, और इस रिज पे अटैचमेंट होती है थोरैकोलंबर फेशिया की या फिर इंटीरियर पार्ट ऑफ थोरैकोलंबर फेशिया की या फिर फेशिया कवरिंग द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल की, तो एक ही बात है। तो ये आपके पास हो जाते हैं इंटीरियर लेयर, इसकी मीडियल अटैचमेंट है रिज ऑन द इंटीरियर सर्फेस ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस बिटवीन क्वाड्रेटस लंबोरम एंड सॉस मेजर मसल जैसे मैंने आपको बता दिया। इसकी लैटरल अटैचमेंट क्या है, ये लैटरली जाता है और मिडल लेयर के साथ फ्यूज कर जाते हैं। सुपीरियरली ये कहाँ तक जाता है, सुपीरियरली ये भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ रिब तक ही जाएगा। अगर मोर प्रिसाइज करें तो उस जगह पर लैटरल आर्कुएट लिगामेंट लगा हुआ होता है जहाँ पर जाके ये बना देते हैं, लैटरल आर्कुएट लिगामेंट बनाता है, इसी की थिकनिंग होती है। ये बात याद रखना कि जो क्वाड्रेटस लंबोरम फेशिया इसी की थिकनिंग को लैटरल आर्कुएट लिगामेंट कहते हैं, सॉस मेजर की थिकनिंग को मीडियल आर्कुएट लिगामेंट कहते हैं, बिलो द डायफ्राम जिनकी थिकनिंग्स होती हैं। तो ऊपर जाके लैटरल आर्कुएट लिगामेंट बना देते हैं, ट्वेल्थ रिब पे खत्म हो जाते हैं, और नीचे जिससे मैंने आपको बताया कि इनर लिप ऑफ द आईली क्रेस्ट भी अटैच होगा या फिर जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आईली क्रेस्ट है, ठीक है। तो ये आपकी तीनों लेयर्स होंगी बहुत सिंपल सी। पोस्टीरियर लेयर की मीडियल अटैचमेंट स्पाइनस प्रोसेस से लेकर लैटरली ये मिडल लेयर के साथ फ्यूज़ करेगी, ऊपर ये नेक तक जाएगी और नीचे आउटर लिप ऑफ द आईली क्रेस्ट पे। मिडल लेयर ट्रांसवर्स प्रोसेस से जाएगी, लैटरली ये वहाँ तक आएगी जहाँ पर बाकी दोनों लेयर्स इससे फ्यूज़ कर जाती हैं, ऊपर ये ट्वेल्थ रिब तक जाएगी और नीचे इंटरमीडिएट एरिया ऑफ द आईली क्रेस्ट पे। एंड देन इंटीरियर लेयर थोरैकोलंबर फेशिया जो क्वाड्रेटस लंबोरम को कवर कर रही है फ्रॉम द रिज ऑन द इंटीरियर सर्फेस ट्रांसवर्स प्रोसेस टू द लैटरल मिडल लेयर के साथ फ्यूज कर जाएगी, ऊपर ये लैटरल आर्कुएट लिगामेंट बनाएगी, नीचे इनर लिप ऑफ द आईली क्रेस्ट पे खत्म। सो दिस इज ऑल अबाउट थोरैकोलंबर फेशिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क, थैंक यू।